अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है वीरियन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर रियाज वीरी और मेरे साथ है आदिल वीरी साहब। तो आज हम आए हैं गोक्राल। गोक्राल के बारे में आपको मैं बताता चलूं, ये त्राल का एक एरिया है, लेकिन गोक्राल के बारे में ये बताया जाता है कि ये हमारे कश्मीर की सबसे पुरानी बस्ती है, यहाँ पर हुआ करती थी। जो अगर हम बात करें तो बुरजहामा के बाद गोक्राल का ही नाम आता है। गोक्राल जो है त्राल से थोड़ा सा नीचे है और यहाँ जो हारी पारी ग्राम है तो उससे थोड़ा सा ऊपर है ये गांव। हाईवे से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर तक दूर होगा। तो गोक्राल ये जो गांव है ये बहुत पहले हुआ करता था एंशंट ज़माने में, और यहाँ पे जो लोग हैं वो इस तरह के जो घार है उनमें रहा करते थे। इनको कश्मीरी में गोक कहते हैं, इन्हीं में लोग रहा करते थे। तो आज ये मौजूद है लेकिन आज बस्ती बन गई है यहाँ पे। तो एक नौजवान है यहाँ पे मेरे साथ, इनसे मैं थोड़ा बात करूँगा। बताइए आपका नाम क्या है? आबिद साहब। जी आबिद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ जी सर। तो इन घारों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, ये है क्या एक्चुअल? जी सर, ये एक पुरानी पुरानी की कहावत है एक सर, मकान वकान तमन दिन तम बसान कारबार वारबार कर बस्ती वस्ती बन वीज हेकान आज लुकोव कैप्चर कि गवर्नमेंट मतलब लुकन गवर्नमेंट योर यन कॉरन टूरिस्ट या लोकल टूरिस्ट तुम मुतलिक बोझ प्रानी तो आदिल साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, थोड़ा सा इसका अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। गोक्राल है, गोक्राल की ये तो दोस्तों ये है वो गार, ये है जिसको हम कश्मीर में गोप कहते हैं, केव कहते हैं। तो इसी में हमारे पुराने जमाने में यहाँ के जो कश्मीर के लोग थे, जो पहली बस्ती माना जाता है ये बुरजहामा के बाद, तो इसी में रहते थे लोग। इन दोनों घर नहीं हुआ करते थे क्योंकि गरीब लोग रहते थे, तो इसलिए इन गारों में लोग रहते थे। थोड़ा सा आप इनको आगे दिखाइए किस तरह ये रहते थे पुराने जमाने में इन गारों में। तो ये गार है, अभी इसमें लोगों ने अपने जो बर्तन वगैरह है रखे हैं, लेकिन ये पुराने जमाने की ये गुफा है जिसमें लोग रहा करते थे। तो इससे भी और बहुत सारी यहाँ पे मौजूद है ये गुफाएं, जिनको अभी कुछ तो बंद हो गई है, कुछ अभी बाकी है। तो इनको मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए इनको प्रिजर्व करें, इनको इनकी तहफ़ करें। तो दोस्तों आपने देखा ये जो केव्स है, ये जो गुफाएं हैं अभी मौजूद हैं, पुराने ज़माने में लोग इनमें रहा करते थे। तो मैं समझता हूँ जो हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनको चाहिए कि इन केव्स को वो प्रिजर्व करे ताकि ये हमारा हेरिटेज है, ये आगे चल के रहे, आगे जाके लोग इनको देखने के लिए आए किस तरह से हमारे जो पुराने ज़माने में लोग थे वो रहा करते थे। तो इनका तहफ़ करना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर की तरफ हो, इस गांव की तरफ, इस गोक्राल की तरफ वो मायल हो। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको ये वीडियो हमारा सही लगा होगा, पसंद आया होगा, इसे शेयर कीजिएगा। तो हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।